वेलकम टू आर्यांश क्लासेस एंड मैं हूँ प्रियंका और रोज़ हम लोग डेली अपडेट लेके आते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बतानी चाहूँगी आप लोगों को, लेटेस्ट अपडेट मैं रोज़ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं रात को लेट नाइट वीडियो एडिट करती हूँ जिसका मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था गूगल से। देखिए 23:54 पे मैंने वीडियो एडिट किया है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं लेट नाइट एडिट करती हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास रात के 11 बजे तक का भी अपडेट यहाँ रहता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे कोर्सेज में करंट अफेयर तो है ही, जनरल अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और करंट अफेयर का रिव्यू, ये कोर्सेज भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब भी आप लोगों को बताते हैं पूरा अपडेट, पर वो 6 से 7 या लास्ट 8 बजे तक का अपडेट उनके पास रहता है क्योंकि वो लोग 8 बजे तो अपना डेटा अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी कारण मैं आपको कह रही हूँ, जैसे ये जो न्यूज़ है ये रात के लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास की है, ठीक है। तो ये आज इतनी चर्चा में नहीं रहेगी, कल ज़्यादा चर्चा में रहेगी और ये मैं आज जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो लेटेस्ट अपडेट इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को। सो प्लीज़ अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और रेटिंग भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। देखिए बैंकों के एकीकरण का सफर का बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का एकीकरण कर 4 बड़े बैंक बनाने का फैसला किया है। एकीकरण के बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। बैंकों में सुधार हो इस वजह से ये किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का ऐलान किया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ये इंपॉर्टेंट है याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के साथ, कैनरा बैंक को सिंडिकेट के साथ, आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन बैंक के इलाहाबाद बैंक से विलय किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इससे विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इन बैंकों के विलय के पीछे उद्देश्य है वैश्विक आकार के बड़े बैंकों का निर्माण करना। सरकार ने पिछले हफ्ते तमाम कदमों का ऐलान किया और ज़्यादातर उनमें से लागू भी हो गए हैं। आंशिक ऋण गारंटी योजना लागू हो गई है। 3300 करोड़ रुपये की पूंजी का समर्थन दिया गया है और 30,000 करोड़ रुपये देने का तैयारी कर रहा है बैंक। इसके अलावा देखिए ये जो न्यूज़ है ये रात को 9:45 पे आई थिंक एयर हुई थी, ठीक है। तो चंद्रमा और करीब पहुंच गया है चंद्रयान टू कक्षा की परिधि और कम करने का कार्य कर रहा है। मतलब ये अंडाकार जो शेप देख रहे हो इसको गोलाकार शेप में ये धीरे धीरे होता जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान टू कक्षा की परिधि को और छोटा करने का कार्य कर रहा है। छोटे से मतलब वो अंडाकार से अब गोल रूप ले रहा है, मून के जस्ट बिल्कुल पास में वो अब घूमेगा, ठीक है। शाम 6:18 पे ये पूरा किया गया है। ये जो पूरा हुआ है परिक्रमा का कार्य ये शाम को 6:18 पे हुआ है। अब चांद चक्कर काट रहा है और चंद्रयान द्वितीय चंद्रमा के करीब आ गया है और इसकी परिधि का रूप अंडाकार से अब गोल हो गया है। 28 अगस्त को चंद्रयान टू ने चंद्रमा की तीसरी कक्षा में 9:04 में प्रवेश लिया था और अब चक्कर लगाने के बाद आज चौथी बार चंद्रयान टू इसके और निकट आ गया है। चंद्रयान टू 5वीं और अंतिम बार अपनी कक्षा में 1 सितंबर को प्रवेश करेगा। कल देखिए नियुक्तियां और इस्तीफे का दिन रहा, काफी नियुक्तियां इस्तीफे हुए। ये देखिए राजीव गाबा ने संभाला है कैबिनेट सचिव का पदभार। राजीव गाबा ने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाल लिया है। राजीव गाबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं। झारखंड कैडर ने 1982 बैच के IAS अधिकारी राजीव गाबा ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। इससे पहले राजीव गाबा कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। 15 अगस्त 1959 को पंजाब में जन्मे राजीव गाबा ने पटना विश्वविद्यालय में भौतिक में स्नातक किया। सिविल सेवा के शुरुआती दिनों में राजीव गाबा ने बिहार के नालंदा और मुजफ्फर और गया जिले में जिला अधिकारी के तौर पर भी काम किया। देखिए आयुष को ग्लोबल ब्रांड बनाने की जरूरत है, ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत है और फिटनेस के तहत है। प्रधानमंत्री ने देश के एक कार्ड की तर्ज पर आयुष ग्रिड बनाने और भारत के पारंपरिक ज्ञान को स्वास्थ्य क्षेत्र में
उपयोग करने पे जोर दिया है। उन्होंने किसानों को ज्वार, बाजरा, सवा जैसे मिलेट उपजों यानी मोटा अनाज जिसे कहा जाता है, इन्हें बढ़ाने की अपील की है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। पीएम जय और देश भर में खोले जा रहे हेल्थ और वेलनेस सेंटर केंद्र सरकार को उन प्रयासों में शामिल करते हैं जिनमें गरीब से गरीब लोगों का इलाज सुनिश्चित हो सके। इसका लक्ष्य है 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोलना। आधुनिक चिकित्सा और परामर्श इन गरीब लोगों को आसानी से मिल सके, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। 12,500 आयुष केंद्र खोलने का लक्ष्य है जिसमें से तकरीबन 4,000 इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। आधुनिक चिकित्सा के लिए आधारभूत संरचनाओं के लिए देश में फिलहाल 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। पिछले दिनों मैंने क्विज में भी लिया था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे अपने क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो करो। इसके अलावा देखिए, अमेरिका के फ्लोरिडा में डोरियन तूफान के कारण आपात की स्थिति घोषित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के फ्लोरिडा में जो तूफान आया उसका नाम क्या है, तो डोरियन है उसका तूफान का नाम। अमेरिका फ्लोरिडा में डोरियन तूफान के कारण आपात की स्थिति घोषित हुई है। क्यों हुआ ऐसा, देखिए फ्लोरिडा में समुद्री तूफान डोरियन से नुकसान को कम करने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ के जो गवर्नर हैं रॉन डेसेटिस ने आपात की स्थिति घोषित की है। उत्तर कैरिबियाई क्षेत्र में चले इस तूफान से दुनिया के पश्चिमी हिस्सों पर काफ़ी असर पड़ा है। इसे अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंचने की संभावना लगाई जा रही है और इसी कारण वहाँ के जो लोग हैं उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से आपात की स्थिति घोषित की गई है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में बेबी फीडिंग केंद्र सबसे पहले ऐतिहासिक स्मारक में कहाँ खोला गया, तो ताजमहल बना है। ताजमहल में बेबी फीडिंग की सुविधा दी गई है। ताजमहल परिसर में एक वातानुकूलित बेबी फीडिंग रूम खोला गया है। भारत के किसी भी ऐतिहासिक स्मारक में होने वाला ये पहली बार ऐसा हुआ है। ताजमहल में रोजाना लगभग 22,000 पर्यटन आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा बच्चों और माताओं को सुविधा देने के लिए ये पहल की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी अपने बस स्टेशन में बेबी फीडिंग कराने के लिए माताओं को क्यूबिकल स्थापित करने का निर्णय किया है। तो देखिए ताजमहल हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस स्टेशनों पर बेबी फीडिंग रूम हो गया। और इसके अलावा केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा में लेजर शो की भी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो हाल ही में लेजर शो की शुरुआत कहाँ की जाएगी, आगरा ये की जाएगी। अभी इस पर चर्चा चल रही है, स्टार्ट हुआ नहीं है ये याद रखिएगा, पर इन फ्यूचर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा में, ठीक है, इससे रात में भी ये लोग इन किलों को देख सकेंगे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है, भारत में सबसे ऊँचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक मनाली में बनाया गया है। सबसे ऊँचा साइकिलिंग ट्रैक कहाँ है, मनाली में है। ट्रैक का सफलतापूर्वक परीक्षण 29 अगस्त 2019 को किया गया है। इस ट्रैक की लंबाई 350 मीटर है। अक्टूबर से पहले सप्ताह ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये ट्रैक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा की देखरेख में बनाया गया है। स्काई साइकिलिंग ट्रैक से सरकारी राजस्व को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, प्रमोद अग्रवाल। ये 1991 बैच के कैडर के कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। 1991 बैच मध्य प्रदेश के कैडर हैं और ये अनिल कुमार झा की जगह लेंगे। ये जनवरी 2020 में सेनानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में अग्रवाल मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास विभाग के मुख्य सचिव के रूप में हैं। कोल इंडिया के बारे में जानकारी देखिए, CIL एक भारतीय राष्ट्रीय द्वारा नियंत्रित कोल इंडिया खनन का मुख्य सचिवालय जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है कोल इंडिया। सरकार ने CBDT के अध्यक्ष मोदी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी जो कि भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर 1982 बैच के हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो याद रखने लायक क्या है, CBDT के किस अध्यक्ष का के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी।
लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ पार्थ सारथी मुखर्जी ने इस्तीफा दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और एमडी पार्थ सारथी मुखर्जी व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा की घोषणा की है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के विलय का प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। 5 अप्रैल 2019 को लक्ष्मी विलास बैंक ने बोर्ड के सॉरी लक्ष्मी विलास बैंक बोर्ड ने देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी थी। नोट देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 1926 में करूर के साथ सात व्यापारियों के समूह द्वारा श्री वी एस एन रामलिंग चौटियार के नेतृत्व में की गई थी। चेटियार के नेतृत्व में की गई थी। लक्ष्मी विलास बैंक का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु चेन्नई में है। पवन कपूर को यूएई भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक पवन कपूर जो कि 1990 बैच कैडर के आईएफएस अधिकारी हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के में भारत का राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, यूएई में भारत के राजदूत कौन है? पवन कपूर। ये डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज स्लाइड रह जाएगी। श्री प्रभाकर सिंह को प्रतिष्ठित अभियंता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। श्री प्रभाकर महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियांत्रिकी के और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण अनुकरणीय सेवा के लिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स द्वारा प्रतिष्ठित अभियंता पुरस्कार 2019, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है तो बेस्ट इंजीनियर अवार्ड एक तरह से लगा लीजिए, 2019 के लिए प्रभाकर सिंह को चुना गया है। ठीक है, टोक्यो 2020 में पैरालंपिक खिलाड़ियों की सहायता के लिए मोबाइल ऐप इंड टोक्यो लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन इंड टोक्यो भारत की पैरालंपिक समिति में जागरूकता और प्रभाव राजदूत अरहान बागती द्वारा शुरू किया गया है। ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राजदूत अरहान बागती द्वारा। अन्य सुविधाओं के अलावा टोक्यो में पैरा एथलीटों और सुगम स्थानों की जानकारी भी ये मुहैया कराएगा। सुरक्षित शहर सूचकांक 2019 में टोक्यो शीर्ष स्थान है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के सुरक्षित शहरों की सूचकांक में 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें टोक्यो, सिंगापुर, ओसाका, एम्स्टर्डम ने सुरक्षित शहर सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुंबई 45वें पे, दिल्ली 52वें पे और दो भारतीय राज्य हैं जिन्हें केवल ये दो ही भारतीय राज्य जिन्हें इन सूची में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है। इंपॉर्टेंट यही है, ये बाकी देख लीजिएगा। इसके बदले मतलब प्लास्टिक का सामान लाने के बदले उन्हें खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, अंबिकापुर में खोला गया है गार्बेज कैफे, इसमें प्लास्टिक के बदले लोगों को खाना दिया जाएगा। भारत ने निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फटाफट देखिए, रियो डी जेनेरियो में विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में निशानेबाजी में अभिषेक वर्मा को गोल्ड मेडल मिला है, सौरभ चौधरी को कांस्य मिला है। 10 मीटर महिला वाले में स्वर्ण पदक जीता गया है किसके द्वारा? एला वैलिन द्वारा। संजीव राजपूत को 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन फाइनल में रजत पदक मिला है। 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर भारत रहा। इसके अलावा ये है मेरा रेफरल कोड जिसे यूज़ करके आप प्लस कोर्सेज के लिए 10% का सीधा सीधा ऑफ ले सकते हो। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा और इसके अलावा रेट कर दीजिएगा, रेटिंग में जो भी आपको सही लगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ।